नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपा। आज का हमारा टॉपिक है कड़ी पत्ता के बारे में बोल रही हूँ। देखिए, कड़ी पत्ता सबको पता ही है, उसमें क्या क्या है। मेनली देखते हैं हम, आयरन है, कैल्शियम है, फोस्फरस है, मैग्नीशियम है, विटामिन ए बी ई है, सेलेनियम है, फाइबर कंटेंट ज़्यादा ही है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। अभी ये हम कौन सी बीमारी के लिए यूज़ कर सकते हैं देखते हैं। देखिए, डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, हार्ट का इश्यूज़ है अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल इसके लिए भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलता है इससे। बाकी पेट की समस्या, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या अमीबियासिस जैसा प्रॉब्लम्स है, उन लोगों के लिए भी आप ले सकते हैं। स्किन का कुछ तकलीफ है ले सकते हैं। अल्शिमर्स जैसा नस संबंध कुछ भी तकलीफ है उसके लिए भी ले सकते हैं, अल्शिमर्स हो गया। या देखिए, एकृत बल्य बताए हैं, एकृत बल्य मतलब लीवर प्रोटेक्टिव है, लीवर के लिए काफ़ी बढ़िया ये है। ऐसे ही आपको दीपना है, दीपना मतलब देखिए डाइजेस्टिव पावर इंक्रीज करने के लिए, रुचि, रुचि मतलब वो टेस्ट इंक्रीज करने के लिए भी अच्छा है। ऐसे ही हमें शोतोहरा बोले हैं, शोतोहरा मतलब इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए अच्छा है। ऐसे ही ये सब देखिए इसके लिए भी अच्छा है हमारा, ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। ये सब मेनली कड़ी पत्ता का इतना बीमारियां में यूज़ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, पोहा वगैरह या कुछ भी कड़ी वगैरह बनाते हैं, हम उसमें डाल देते हैं घी या तेल में हम डाल के उसको फिर निकाल देते हैं, मीन्स खाना खाने के टाइम पे उसको निकाल के फेंक देते हैं। देखिए, ऐसा गर्म घी या गर्म तेल में डालने से आपको थोड़ा उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको पूरा बेनिफिट कड़ी पत्ता का मिलना है। आपको पता चलना चाहिए उसको कैसा हम अंदर खाने में इंक्लूड करना है करके। देखिए, कभी आप है ना कच्चा नहीं खाना है, आपको कभी भी कड़ी पत्ता ले, उसमें एक्चुअली एक ये प्रोडक्ट उसके अंदर है, वो हमारे बॉडी में सेलुलोज है, वो हमारे बॉडी में अच्छे से डाइजेशन नहीं होता है। सो आपको कभी भी कड़ी पत्ता यूज़ करना है, एक है आप उसको अच्छे से पीस के, मिक्सी में पीस के आपको लेना है, या उसको आप चाव में अच्छे से ड्राई करके पाउडर बना के आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हम कैसे, क्या क्या बीमारी के लिए कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे इस्तेमाल करने से ही आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। अभी डायबिटीज़ है, ओबिसिटी, बहुत ही मोटापा है, आपको मोटापा कम करना है, या आपके बॉडी में आपको सूजन है, सूजन भी आपको कम करना है, या ट्राइग्लिसराइड बीपी के लिए भी अच्छा है, हाइपरटेंशन के लिए भी अच्छा है, ट्राइग्लिसराइड आपको कम करना है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है। अभी तो टीजी का बहुत, ट्राइग्लिसराइड का बहुत लोगों में प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब आपको कम करना है। आप 20-25 कड़ी पत्ता का लीव्स, कच्चा लीव्स ले लीजिए, 4-5 लहसुन का कली ले लीजिए, उसको मिक्सी में अच्छे से पीसना है, उसमें अच्छे से आप बटर मिल्क छास ताक डाल दीजिए, डाल के उसको अच्छे से घुमा के वो फिर आपको अंदर पीने के लिए इस्तेमाल करना है। ये पीने से आपके ये सब प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगा। फ्रिज में रखा हुआ चीज़ नहीं चाहिए, एंड आपको शाम को थोड़ा 5 बजे के पहले ही ये वाला यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या अमीबियासिस है, या कभी नर्वसनेस ज़्यादा हो रहा है, किसी से बात करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, या कुछ नया काम करने के लिए आपको मुश्किल हो रहा है, ऐसा कुछ नर्वसनेस का भी इश्यू है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप ये चाव में सुखाना है, कड़ी पत्ता को चाव में सुखा के उसका पाउडर बना के वो आप बटर मिल्क में डाल के आप ले सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम देखिए अभी बहुत लोगों में तकलीफ हो रहा है, अब कहीं बाहर जाने के लिए निकले होंगे, तुरंत आपको लगेगा नहीं मुझे एक और बार टॉयलेट जाना है करके, अब ऐसा रहता है। बाकी भी पेट का कुछ भी आपको समस्या है, आपको ये यूज़ कर सकते हैं। ऐसे देखिए, बालों में आपको कैसे यूज़ करना चाहिए, बालों के लिए आपको कड़ी पत्ता का लीव्स अच्छे से पेस्ट करना है, उसमें आंवला का पाउडर मिलाना है, मिला के कर्ड मिलाना है, कर्ड मिला के आपको उसको हेयर पैक जैसे लगाना है। इससे क्या होगा, डैंड्रफ क्लियर हो जाएगा, ऐसे स्प्लिट एंड्स है, आपका बालों का थिकनेस कम हो रहा है उस प्रॉब्लम के लिए भी अच्छा है, इचिंग हो रहा है, स्कैल्प में इचिंग हो रहा है इसके लिए भी अच्छा है, आपका बाल बहुत जल्दी वाइट हो रहा है, ग्रे हो रहा है उसके लिए भी अच्छा है। आपका बाल हमेशा आपको ब्लैक कलर में रहना चाहिए, आप कड़ी पत्ता का ज़रूर यूज़ कीजिए, इसके लिए हेयर पैक बना के आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि
बच्चों में वर्म्स बहुत ही तकलीफ अभी हो रहा है, वर्म्स बहुत ज़्यादा उसमें। देखिए एक दो बच्चे घर पे है, घर पे एक दो बच्चे को वर्म्स का प्रॉब्लम आएगा, ऑटोमेटिकली घर में सब लोगों को वर्म्स का शिकायत चालू हो जाएगा। एक बार हमारे बॉडी में वर्म्स का शिकायत चालू हो जाएगा, फिर हम कुछ भी खाएं, कुछ भी फ्रूट्स खाएं, अच्छी चीज़ खाएं, मगर वो सब उसका पूरा आपको बेनिफिशियल मिलना चाहिए, बेनिफिट्स मिलना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको इसको अच्छे से इसमें चाव में सुखा के पाउडर करके आप गरम गरम चावल लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी, तुप, देसी घी डाल के उसमें ये कड़ी पत्ता का पाउडर डाल के आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा है एंड पेट में वर्म्स का तकलीफ है, उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए स्टोर करना, घर में किसी को भी कड़ी पत्ता का ट्री है, बढ़िया है, उससे आप फ्रेश आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप उसको एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में स्टोर करके यूज़ करना चाहिए। इसमें मैंने ऑलरेडी बताया गया है सेलुलोज है इसके लिए, वो अच्छे से डाइजेशन नहीं होता है। कभी भी आपको लेना है, आप अच्छे से पेस्ट या पाउडर फॉर्म में करके आपको लेना है। आयुर्वेदिक में देखिए बहुत मेडिसिंस है, ये कड़ी पत्ता यूज़ करके बहुत मेडिसिंस बनाते हैं, पेट के लिए भी सब बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया मेडिसिंस है। सो आप सब लोग वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।